Hey guys, welcome back to our channel, The Filmify. God King Odin और Celestial के बीच के sequence का जिक्र हमने आपसे अपनी पिछली वीडियो में भी किया था और शायद आप ये जानने को भी बेकरार होंगे कि क्या होगा अगर Odin और Celestials आमने सामने आ गए तो चलिए इंतजार की घड़ी हुई अब खत्म और बात करते हैं वीडियो के उस सीक्वेंस पर जिसमें गॉड किंग ओडिन और सेलेस्टियल्स आमने सामने आ गए थे। और हाँ, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सेलेस्टियल्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन किया था तो वो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सेलेस्टियल्स के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है जिसमें वो किसी भी प्लेनेट पर तीन तरह के लोगों को बनाते हैं और फिर हजारों साल बाद वापस आते हैं उनका जजमेंट करने के लिए। वो देखते हैं कि उनकी बनाई हुई क्रिएशन प्रॉपर तरीके से इवॉल्व होती है या नहीं। इस पूरे प्रोसेस को वो होस्टिंग कहते हैं जिसमें फर्स्ट होस्ट में वो किसी भी रेस में से लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिसमें वो एटर्नल्स और डेविएंट्स को बनाते हैं। सेकंड होस्ट में वो चेक करने जाते हैं कि जहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वो सही है या नहीं। उसके बाद थर्ड होस्ट में वो ऑब्जर्व करने जाते हैं जिसमें सेलेस्टियल्स ये इंश्योर करते हैं कि क्या किसी रेस में कोई भी किसी की पूजा वगैरह करके उसे भगवान तो नहीं बना रहा है, क्योंकि सेलेस्टियल्स बहुत ही सेल्फ एस्टीम्ड वाले बीइंग्स होते हैं जो खुद के अलावा किसी और को भगवान नहीं मान सकते। और ये थर्ड होस्ट वही समय था जहां गॉड किंग ओडिन और सेलेस्टियल्स के बीच में वॉर होती है। अब मैं आपको इस पूरे प्रोसेस को विस्तार से समझाता हूं। तो बात शुरू होती है जब एक बहुत बड़ा प्रोजिनेटर नाम का सेलेस्टियल 4 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर आता है फर्स्ट होस्ट को अंजाम देने के लिए। वो सेलेस्टियल इन्फेक्टेड होता है एक पैरासिटिक रेस से जिसका नाम होर्डे होता है और वो बहुत वीक भी होता है। यहाँ पर प्रोजिनेटर की मौत हो जाती है और उसके मरने से उसके जीन्स अर्थ में डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद उस सेलेस्टियल को ढूंढता हुआ एक और सेलेस्टियल अर्थ पर आता है जिसका नाम ग्रैब होता है। वो देखता है कि प्रोजिनेटर अर्थ पर मारा गया है। ग्रैब अपनी पावर से प्रोजिनेटर को एक डार्क सेलेस्टियल में कन्वर्ट कर देता है जो कि अपने तरीके का एक अकेला सेलेस्टियल है। अब ग्रैब का सामना अर्थ पर अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज अवेंजर्स से होता है। अवेंजर्स उसे लड़ाई में हरा देते हैं और मुझे पता है आप यहाँ यही सोच रहे होंगे कि एवेंजर्स उस समय कैसे हो सकते हैं, लेकिन उस समय भी एवेंजर्स थे। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए क्योंकि हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको इन्हीं एवेंजर्स और डार्क सेलेस्टियल की जानकारी देंगे। हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो सेलेस्टियल भी बहुत वीक और इन्फेक्टेड होता है जिसकी वजह से ग्रैब भी अर्थ पर मारा जाता है और ग्रैब के मरने की वजह से ग्रैब के जीन्स भी अर्थ में डिसॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से म्यूटेट एक्स बनता है और इसी म्यूटेट एक्स की वजह से अर्थ पर प्रेजेंट किसी किसी इंसान को सुपर पावर्स मिल जाती हैं, जो मेटा ह्यूमंस बन जाते हैं। मतलब सेलेस्टियल्स ने इंटेंशनली अर्थ पर मेटा ह्यूमंस किसी को नहीं बनाया था, पर हाँ वो एटर्नल्स और डेविएंट जरूर बनाते हैं जिसका हिसाब लेने वो सेकंड होस्ट के टाइम पर आते हैं। और जब सेलेस्टियल्स अर्थ पर सेकंड होस्ट परफॉर्म करने आए थे तो उन्होंने देखा था कि डेविएंट्स अर्थ पर कब्जा कर चुके हैं और एटर्नल्स उनसे लड़ाई में हार गए हैं और डेविएंट्स ऑलमोस्ट एटलांटिस को भी कब्जे में लेने ही वाले हैं। और ये वो समय था जब एटलांटिस भी पानी के ऊपर हुआ करता था और किंग एटलान के हारने के बाद ही डेविएंट्स और सेलेस्टियल्स की वजह से एटलांटिस पानी के अंदर डूब जाता है। वैसे ये भी एक रेफरेंस है जहां MCU और DC यूनिवर्स दोनों आपस में क्लैश करते हैं। और हाँ, DC यूनिवर्स से याद आया कि DC यूनिवर्स सीरीज बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर शुरू होने जा रही है जिसमें हम आपको DC यूनिवर्स की हर पॉसिबल डिटेल्स बताने की कोशिश करेंगे। तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे DC और MCU यूनिवर्स की कोई भी डिटेल्स मिस ना हो। तो चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। डेविएंट्स का राजा जिसका नाम फ्रॉग होता है सेलेस्टियल्स पर अटैक कर देता है। अब जब सेलेस्टियल्स ने देखा कि अर्थ का तो बुरा हाल है और फ्रॉग उन पर भी अटैक कर रहा है तो उन्होंने इसमें इंटरफेरेंस करना चालू किया और बैलेंस करना स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने डेविएंट्स की आधी आबादी को मार दिया और फिर अर्थ से चले गए हजारों सालों के लिए। इसके बाद सेलेस्टियल्स फिर से आते हैं अपने तीसरे होस्ट को परफॉर्म करने के लिए जिसको ऑब्जर्वेशन बोला जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि अर्थ के लोग रिलीजियसली डिवाइड हो गए हैं और वो कुछ गॉड्स को मानने लग गए हैं जिनमें ओडिन, ज़ूस और विष्णु जी मेन गॉड्स किंग हैं। अब सेलेस्टियल्स इस बात में इंटरफेयर करना चालू कर देते हैं जो ओडिन को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो ज़ूस और विष्णु जी के साथ मिलके सेलेस्टियल्स पर अटैक करने जाते हैं। गॉड किंग ओडिन अपनी ओडिन स्वॉर्ड लेके और डिस्ट्रॉयर सूट पहन के सेलेस्टियल नजर से लड़ने जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये डिस्ट्रॉयर सूट वही डिस्ट्रॉयर सूट है जिसे लॉकी थॉर के पहले पार्ट में थॉर को मारने के लिए भेजता है।
अब ओडिन और विष्णु जी नजर से लड़ने जाते हैं, जहां वो नजर के हाथ को काट देते हैं। लेकिन फिर भी नजर एक सेलेस्टियल है, इसलिए वो ज्यूस ओडिन और विष्णु जी पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तब एरिशम और इन तीनों गॉड्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि ये आपस में किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ओडिन कहां चुप बैठने वालों में से है, इसलिए द फोर्थ होस्ट के टाइम पर जब सेलेस्टियल्स अर्थ का जजमेंट करने आते हैं, ओडिन फिर से हर एक एस्गार्डियन, थॉर और एटर्नल्स को लेके इन पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार सेलेस्टियल ओडिन को आसानी से हरा देते हैं, वो अर्थ का जजमेंट करते हैं। पर गाया, जो कि खुद एक गॉडेस है, उसके इंटरफेरेंस की वजह से सेलेस्टियल्स अर्थ को छोड़ देते हैं। वो अर्थ से कुछ 12 स्पेशल गिफ्ट्स लेके जाते हैं, जो कि अलग अलग लोग होते हैं और आप उनको देवता मान सकते हैं। और वो अर्थ से चले जाते हैं ये कहकर कि हम फिर से आएंगे जजमेंट करने के लिए। यहाँ विष्णु जी, ओडिन और ज़ूस तीनों मिलकर अर्थ को बचा लेते हैं, लेकिन अभी भी जजमेंट बाकी है अर्थ, जिसे करने सेलेस्टियल्स वापस आएंगे हजारों साल बाद। इसी होस्टिंग के बीच में एक और सीक्वेंस आता है, जहां सेलेस्टियल मैडोना अर्थ पर आती है। ये सीक्वेंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे टाइमर्ट अर्थ से एमरजेंस के थ्रू पैदा हो रहा था, जिसे एटर्नल्स रोक देते हैं। लेकिन इस सीक्वेंस को हम आपके लिए एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय।